हेलो फ्रेंड्स, एवरीथिंग अनबॉक्स जंक्शन में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप अपने बाथरूम की टाइल्स में बिना होल किए हुए अपने सोप स्टैंड को लगाना चाहते हैं तो आज का प्रोडक्ट आपके लिए काफी खास हो सकता है, क्योंकि आज हम एवेन्यू सुपरमार्ट की ओर से आने वाली मैजिक सॉफ्ट रबर सक्शन सोप प्लेट को लेकर आए हैं, जो कि आपको टाइल्स पे ड्रिलिंग की झंझट से भी बचाएगी और बाथरूम को एक नया लुक भी देगी। तो चलिए अभी इस मैजिक सॉफ्ट प्लेट को देख लेते हैं। ये देखिए, कुछ इस प्रकार के पैकेजिंग में ये हमें देखने को मिलती है, जिसमें यहाँ पे ऊपर की तरफ इसकी प्राइस मेंशन की गई है। ये 99 रुपीज में हमें मिली थी और ये हमने डीमार्ट शॉपिंग मॉल से परचेस की थी। उसके नीचे की तरफ यहाँ पे मेंशन किया गया है कि इसे हम कौन कौन सी जगह पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे हम वुड मटेरियल पे लगा सकते हैं, सिरामिक टाइल्स पे लगा सकते हैं, स्टेनलेस स्टील, मेटल, ग्लास और प्लास्टिक सरफेस पे भी लगा सकते हैं। तो काफी सारी जगहों पे आप इसे यूज कर सकते हैं और इन सारी सरफेस पे इसे लगाने के लिए आपको ड्रिलिंग की कोई झंझट ही नहीं होगी। और बाकी यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं कि इसे साबुन रखने के लिए हम कैसे यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार से आपके बाथरूम में लगेगी। और राइट साइड पे यहाँ पे नीचे की तरफ इसके कुछ फायदे दिए गए हैं। तो ये देखिए, इसमें हमें ड्रिलिंग करने की कोई जरूरत नहीं होती है और ये वॉल को डैमेज भी नहीं करती है और ये रिमूवेबल भी है। अगर आप इसे निकालना चाहें तो आराम से निकाल सकते हैं और निकालने के बाद आपकी टाइल्स को या फिर और कोई सरफेस जहां पे आपने इसे यूज किया है उसको डैमेज भी नहीं होगा। और इसकी सक्शन इफेक्ट भी काफी अच्छी है, जो कि लंबे समय तक टिकती है। और यहाँ पे नीचे मेंशन किया गया है कि ये मैक्सिमम 2 किलोग्राम तक का वेट उठा सकती है। तो अगर आप कोई 2 किलोग्राम का बड़ा वाला साबुन भी इस पे रखना चाहे तो आसानी से रख सकते हैं, या फिर कोई छोटे शैम्पू की बॉटल या फिर फेस वॉश, ऐसी कोई भी चीजें आप इस पे रख सकते हैं जो कि 2 किलोग्राम से कम की हो। और यहाँ पे इसके कलर मेंशन किए गए हैं, ये 2 कलर में अवेलेबल है। एक ब्राउन कलर की आती है और एक हमारे पास है वैसी ग्रे कलर की आती है। तो ये देखिए, अगर आप ब्राउन कलर की देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए, ब्राउन कलर की सोप प्लेट कुछ इस प्रकार की आती है। चलिए अभी पीछे की तरफ देख लेते हैं। पीछे की तरफ यहाँ पे इसे कैसे इंस्टॉल किया जाता है ये डिटेल में लिखा गया है, लेकिन इसे अनबॉक्स करने के बाद मैं डिटेल से आपको इसे लगा के दिखाऊंगा, तो उससे आपको एक रफली आइडिया आएगा कि आप इसे कैसे लगा सकते हैं। और बाकी के यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस दिए गए हैं, तो आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है इसे यूज करते हुए, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है। तो अगर आप इसे डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए अभी लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ देख लेते हैं। ये देखिए, सबसे आखिरी में नीचे की तरफ यहाँ पे एवेन्यू सुपरमार्ट का एड्रेस दिया गया है और उनके कस्टमर केयर नंबर दिए गए हैं और उनका ईमेल एड्रेस दिया गया है। और सबसे आखिरी में यहाँ पे इसकी MRP दी गई है, जो कि 110 रुपीज है, लेकिन जैसे हमने आपको आगे बताया, इसे हमने 99 रुपीज में डीमार्ट शॉपिंग मॉल से परचेस किया था। तो डीमार्ट शॉपिंग मॉल से परचेस करने पे आपको 11 रुपीज का फायदा वहां पे देखने को मिलेगा। चलिए अभी फटाफट से करते हैं इसे अनबॉक्स और आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स इसके अंदर आते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे ओपन कर लिया है। ये कुछ इस प्रकार की सोप प्लेट हमें देखने को मिलती है। ये पूरी प्लास्टिक की और ग्रे कलर की है, आप देख सकते हैं, और जिसमें यहाँ पे पीछे की तरफ एक सक्शन स्टिकर दिया गया है, जो कि आप जिस भी सरफेस पे इसे लगाना चाहते हैं वहां पे ऐसे चिपकेगा। कैसे इसे चिपकाएंगे ये मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और यहाँ पे इस ट्रे को इस सक्शन टिप से अलग करने के लिए एक स्क्रू दिया गया है, तो चलिए इसे अलग करते हैं। ये देखिए, आप एंटी क्लॉकवाइज इसे घुमाएंगे तो ये आसानी से इससे अलग हो जाएगा। ये देखिए, कुछ इस प्रकार आप इसे अलग कर सकते हैं। और यहाँ पे भी ऐसे 2 पार्ट आपको दिखाई देंगे, जिसमें से ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे पीछे की तरफ एक स्टिकर आता है। ये वाला जो स्टिकर है उसे ऐसे हटा के आप अपनी कोई भी सरफेस पे इसे लगा सकते हैं। तो जैसे फ्रेंड्स आपने देखा, ये सोप प्लेट ऐसे 4 अलग अलग पार्ट्स के साथ आती है। तो चलिए अभी देखते हैं कि इन 4 पार्ट्स को आप अपने बाथरूम की टाइल्स पे कैसे लगा सकते हैं। अभी फ्रेंड्स, इस सक्शन टिप को यहाँ पे लगाने के लिए पहले इस सरफेस को क्लीन कर लीजिए। अच्छे से क्लीन करने के बाद इस सक्शन टिप में यहाँ पे एक प्लास्टिक का कवरिंग दिया गया है, उसे आपको पहले हटाना पड़ेगा। चलिए इसे पहले हटा लेते हैं। ये देखिए, धीरे धीरे करके हटाइए। इसके बाद इस सरफेस को आपको जहां पे लगाना है वहां पे एयर ना रहे वैसे आपको इसे लगाना होगा। ये देखिए, यहाँ पे लगाने के बाद थोड़े से अपने हाथों से ऐसे एयर को बाहर निकाल लीजिए। आपको यहाँ पे एयर दिखाई दे रही होगी, तो ये सारी एयर को आप प्रेस करके बाहर निकाल लीजिए।
ये देखिए, थोड़ा थोड़ा करके आप सारी एयर को बाहर निकाल देंगे तो आपको कहीं पे भी एयर नहीं दिखेगी, और जब भी इसमें से पूरी एयर निकल जाए उसके बाद इसको 24 घंटे के लिए ऐसे ही रहने दें, और उसके बाद सोप की ट्रे इसके ऊपर लगाए। ये देखिए, आपको आसानी से इसमें दिखाई देगा कि एयर है कि नहीं। ये देखिए, तो पूरी एयर को निकाल देना है तो ही ये अच्छे से चिपकेगा। तो अभी आपको पूरी जगह पे एयर निकली हुई दिखेगी, ये देखिए कहीं पे भी एयर नहीं है। अभी इसको एक बार अच्छे से प्रेस कर दीजिए, तो ऐसे आप इसको चिपका सकते हैं। अभी इसे 24 घंटे हम छोड़ देंगे, और 24 घंटे के बाद आपको दिखाएंगे कि इसमें आप सोप की ट्रे को कैसे लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी 24 घंटे हो चुके हैं, इसलिए अभी इस सोप की प्लेट को हम लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसमें सोप की प्लेट को हम कैसे लगा सकते हैं। ये देखिए, ऐसे तीन पार्ट हमें इसमें मिलते हैं, ये देखिए। चलिए, अभी सोप की प्लेट को इसके ऊपर लगाने के लिए आपको यहाँ पे एक स्क्रू जैसा दिखाई दे रहा होगा, उसके ऊपर सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है उसे इंसर्ट करना होगा, कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। उसके बाद आपकी ये जो सोप की ट्रे है उसे आप यहाँ पे रखिए, और उसके बाद ये जो तीसरा वाला पार्ट है उसे यहाँ पे लगाइए, और जैसे आप स्क्रू को बंद करते हैं वैसे इसे क्लॉकवाइज ऐसे घुमाते जाइए, और जब तक ये टाइट ना हो जाए इसे घुमाते रहिए, और आपको जितना टाइट करना है उतना आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ज्यादा टाइट ना करें, क्योंकि आप इसे जितना ज्यादा टाइट करेंगे, ये प्लास्टिक मटेरियल है, टूटने का खतरा रह सकता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सोप ट्रे आप जहां भी लगाना चाहें वहां पे लगा सकते हैं, ये अच्छे से फिट हो चुका है। अभी इसमें हम आपको सोप रख के दिखाएंगे। तो ये देखिए, ये काफी वजनदार लक्स का सोप है, ये आप देख सकते हैं। चलिए इसके ऊपर रखते हैं। तो ये देखिए, ये सोप को रखने के बाद भी गिरेगा नहीं, तो इसकी स्ट्रेंथ काफी अच्छी है। तो आप अपनी कोई भी दीवार पे इसे आसानी से चिपका सकते हैं, और इससे आपके बाथरूम की दीवार को भी नुकसान नहीं होगा, टाइल्स को भी नुकसान नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अभी आते हैं इस मैजिक सोप प्लेट के फाइनल रिव्यू पे। एवेन्यू सुपरमार्ट की ओर से आने वाली इस मैजिक सोप प्लेट के काफी सारे फायदे होने के कारण और इसके एक चीप प्राइस होने के कारण हम देते हैं इस प्रोडक्ट को एक थम्स अप। आप इसे डेफिनेटली मंगवाइए और एक बार जरूर ट्राई कीजिए। ये आपको अपने बाथरूम की टाइल्स पे होने वाले ड्रिलिंग से काफी हद तक छुटकारा देगा, और वो भी बिल्कुल कम प्राइस में। फ्रेंड्स, अगर आपको एवेन्यू सुपरमार्ट की ओर से आने वाले इस मैजिक सक्शन सोप प्लेट का रिव्यू वीडियो पसंद आया है तो आप इसे एक लाइक जरूर कीजिए, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसे शेयर कीजिए, ताकि ऐसी नई और एक्साइटिंग प्रोडक्ट के बारे में सभी लोग जान पाएं और इसे खरीद पाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही किसी एक्साइटिंग प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।